अन्य तरह के समारोह हुए, लेकिन सर वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे, उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर, उनकी दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, काम इतना ज्यादा, और उसके उसके एवज में उन्हें क्या दे रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कितनी कितना मानदेय, पीनट्स। ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि राइट टू हेल्थ पर पहली बार, जबकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था सर, बमुश्किल 10-12 मिनट लूंगा, खत्म कर दूंगा। इस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो संविधान सभा की बैठकों में भी चर्चा हुई, खास करके एक व्यक्ति जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या कहा, मैं बाबा साहब को इस बहस में लाना चाहूंगा। बाबा साहब का नजरिया बिल्कुल साफ था कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम सोशल सिक्योरिटी के बगैर नागरिक का सबलीकरण नहीं हो सकता, और आज हमने उस छोटे से फॉर्मूले को भुला दिया है, उसको वापस लाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, मैं सहमत हूं कि बजट लगातार बढ़ा रहे हैं, मंत्री महोदया हैं, माननीय उपसभापति महोदय, ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े का व्याकरण अद्भुत है। मेरी सैलरी, मैं विश्वविद्यालय से लेता हूं, मेरी सैलरी बढ़ी, मान लीजिए इंक्रीमेंट लगता है तो वो बढ़ा एक साल में, अब उस इंक्रीमेंट को आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स में देखिए, आप अगर एलोकेशन का रियल टाइम वैल्यू जज करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इट इज टू लिटिल एंड इवन टू लेट। तो आंकड़ों को लेकर के कहेंगे कि यूपीए के दौरान इतना था, हमने इतना बढ़ाया, बाकी इंडाइसेस को सामने रखिए और तब कहिए। और दुनिया के गरीब गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनों रेटोरिकल चीजें कर लें, वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगी। सर, ग्रामीण भारत हमारी चर्चा से अक्सर विलग रह जाता है, मैं माननीय मंत्री साहिबा से आग्रह करूंगा, देखिए अक्सर क्या होता है कि आप जब किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं तो पहले से जानकारी होती है, किसी क्या कहते हैं पीएससी को विजिट करते हैं पहले से जानकारी होती है, हम सुना करते हैं राजा महाराजाओं में ना मेरा यकीन है ना मैं चाहता हूं कि उनका उदाहरण दिया जाए, लेकिन सुनते थे किसी हिंदुस्तान में कुछ राजा महाराजा होते थे जो वेश बदल करके जाया करते थे निरीक्षण करने के लिए, वेश बदल करके जाइए एकदम पूरा का पूरा। आप बोले, आप इधर चेयर की तरफ देखें प्लीज, आपस में एक एक माननीय उपसभापति महोदय, एक दो उदाहरण छोटा छोटा दूंगा। अटल जी बोल रहे थे, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने टोका कि अटल जी इतना लंबा बोल रहे हैं, बोला बिना प्रिपेयर करके आया हूं, प्रिपेयर करता तो छोटा बोलता, बिना प्रिपरेशन के बोल रहा। नहीं, जाहिर है सम्मान है उनके लिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले कह दिया था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जानता हूं आज शुक्रवार है, आप सबको कोई ना कोई इंगेजमेंट तुरंत बाहर होगा और मजबूरी है, पार्टी व्हिप है कि बैठना है। एनीवे, माननीय सभापति महोदय, तो ग्रामीण भारत को लेकर के जो मेरी चिंताएं थी मैंने कहा, एक मैं अगर राइट टू हेल्थ अगर हमने इंश्योर कर लिया, मुझे याद है जब आरटी की बात हो रही थी तब भी बहुत लोगों की आपत्तियां थी कि इससे क्या होगा, इससे क्या बदलाव आएगा। जब आप किसी चीज को इस तरह से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देते हैं तो उससे क्या होता है ना कि अन्याय जो लोगों के साथ दर बदर होता है अलग अलग स्तर पर, और मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आशा और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर संसद में बातें रखी गई, उनको लोगों को नियमित करने को लेकर, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही उन लोगों को सरकारी कर्मचारी के दर्जा को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान निकल के आ रहा था, जो हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया। यहाँ पर संसद में बातें रखी गई है, आप लोग के मानदेय को जल्द ही बढ़ाने को लेकर सरकार कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला निकाल सकती है या कोई नोटिस निकल के आ सकता है, इससे जुड़ी कोई बड़ा आदेश आएगा, इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके उस पर आल पर प्रेस करें ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहे। आप लोग इस वीडियो को अपनी और भी कार्यकर्ताओं के पास भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी जानकारी को, इस महत्वपूर्ण सच्चाई को विस्तार से जान सके। मानदेय बढ़ाने को लेकर जैसे कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए महत्वपूर्ण कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।